jungle. रामचंद्र यादव माननीय विधायक रुदौली जिला फैजाबाद पर राष्ट्रगान के सम्मान हित खड़े होने की कृपा करें। नमस्कार, आप सभी को ले चलते हैं जहां की रंगीन नजर क्यों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रीमान महामहिम राजपाल जी के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बड़े जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ पर उपस्थित है, उनका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय अपर महानिदेशक महोदय के द्वारा। और इसी संदर्भ में श्री मनोज दीक्षित माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन। ओरिजिनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से अपर महानिदेशक श्री अरिमर्दन सिंह जी द्वारा और इसको जला दीजिएगा प्लीज। एक हम एक आग जलाते हैं और जलती हुई आग से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, एक आस्था का दीपक जलाते हैं और इस आस्था के दीपक से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में एक छोटी सी गीत है, गीत के माध्यम से कहना है क्या। एक अभूतपूर्व जहां देश इस देश को प्राप्त हुआ था, इन उम्मीदों के साथ भारत की भाग्य रचना, भाग्य रेखा अब निश्चित रूप से परिवर्तित होगी, एक अच्छे स्वर्णिम भविष्य की ओर जाएगी। और हमने ये देखा इस कार्यक्रम के आयोजक सूचना प्रसारण मंत्रालय के एडीजी महोदय, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय अवधेश पांडे जी, जिले के सभी अधिकारीगण, श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अवधेश पांडे जी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी,
भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक श्री हरिमर्दन सिंह जी उपस्थित महानुभाव। मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, तब भी कुछ काम करता था, पार्टी का करता था, समाज का करता था, कुछ समय पर भी मेरा कार्यवृत्त मैं प्रकाशित करता था और उसका शीर्षक थोड़ा हम बदलते थे और लोकसभा में राम नहीं से लोक सेवा में राम नहीं किया। और अभी राज्यपाल बनकर यहाँ आए हैं तो राज्यपाल के नाते भी प्रतिवर्ष मैं मेरा कार्यवृत्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी अभी 22 जुलाई को मुझे 4 वर्ष पूरे हुए हैं, तो मेरा कार्यवृत्त का नाम है राजभवन में राम नहीं। अभिनव इस प्रकार का कार्य ऐसे प्रदर्शनी के माध्यम से होता है और निश्चित तौर पर अपने ज्ञान में, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जनतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि क्या करता है, सरकार क्या करती है, यह लोगों के सामने दिया जाए। अब मेरे मन में विषय, अब यहाँ छात्राएं भी हैं, उसकी बहुत कुछ चर्चा भी होती है और मोदी जी ने जिस प्रकार के विषय इस 4 वर्षों में हाथ में लिए, उसमें से पहले वर्ष उन्होंने भी मान लिया कि ये जीवन सारी दुनिया का धरोहर है और इसलिए अब होते होते उसके लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के साथ राज्यपाल के नाते मेरा नजदीक का संपर्क है, 12 करोड़ लोग इस समय पर अपने कुंभ मेला में आने वाले हैं और उसमें से बड़ी संख्या में देश के बाहर के लोग भी आने वाले हैं। अब ये I'm going to go to the hospital.